Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. Hello students, welcome back to the video. Previous video में हमने new economic policies 1991 को discuss किया था. आज की video में हम उस policies के आने से जो change आया environment में हमारे, उन्हें हम discuss करेंगे. तो impact of the changes in the economic पॉलिसी. देखिए, जो गवर्नमेंट ने 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली थी जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बड़े बड़े फीचर्स को अडेप्ट किया था, तो उससे क्या इफेक्ट आया वो हम सीखते हैं. तो फर्स्ट इम्पैक्ट जो देखने को मिला वो था इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. देखिए, जैसे जैसे हमने अपना ग्लोबलाइजेशन किया, हमने बाहर की मार्केट को भी इंडिया में क्या किया, आमंत्रण दिया कि आप भी आइए इंडिया में, अपना इन्वेस्टमेंट करिए और इंडिया में अपनी मार्केट को सेटअप करिए. तो इससे क्या हुआ, इंडियन कंपनीज को बाहर की कंपनीज के साथ एक कंपटीशन फेस करना पड़ गया. ठीक है, तो इसके कारण इंक्रीज कंपटीशन का ये जो पॉइंट है वो आपको देखने को मिल रहा है. वैसे ही सेकंड जो पॉइंट है वो है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स. अब देखिए, जैसे जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी तो उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारी मार्केट में प्रोड्यूसर्स आने लग गए. तो जब मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आएंगे तो उससे क्या होगा, मार्केट में कस्टमर्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो इसलिए मोर डिमांडिंग कस्टमर्स भी देखने को मिले. उसके बाद जो इम्पैक्ट देखने को मिला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का वो है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. देखिए, जब नई नई कंपनीज मार्केट में आई, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ा, तो वो मार्केट जो बाहर की कंपनीज इंडिया में आती थी वो नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आती थी. तो इससे क्या हुआ, हमारे जो इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट था वो भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लग गया. वैसी है नेसेसिटी फॉर चेंज. नेसेसिटी फॉर चेंज का मतलब है 1991 से पहले जो बिजनेस एनवायरनमेंट थे वो अपनी एक स्टेबल पॉलिसी को फॉलो करते थे, जो कि लंबे समय तक एक ही पॉलिसी चलती आ रही थी. लेकिन 1991 के बाद उन्होंने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल ही चेंज हो गया है, तो उसे उन्हें भी अब चेंज लाने की जरूरत है. तो उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज को क्या किया, टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया और चेंज किया. तो यही नेसेसिटी फॉर चेंज है. वैसे अगर हम बात करें नीड फॉर डेवलपमेंट, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की, 1991 से पहले इंडियन एंटरप्राइजेस जो भी थे वो अपने जो उनके अंदर काम करते थे लोग बड़े ही इनएडुकेटली ट्रेन प्रोफेशनल्स होते थे. मतलब उनमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी लोगों को काम करने के लिए. लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आया, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज आया, तो लोगों ने क्या किया, कंपनीज ने क्या किया, हायर जो ट्रेनिंग देने लग गए लोगों को, स्किल ट्रेनिंग देने लग गए लोगों को, ताकि उनके पास एक स्किल्ड लेबर फोर्स अराइज हो पाए और इस कंपटीशन को जो झेल पाए. तो नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पर भावना पैदा हुई. उसके बाद है यहाँ पर हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है मार्केट ओरिएंटेशन. मार्केट ओरिएंटेशन में क्या देखने को मिलता है कि फर्म्स जो थे पहले सेलिंग कंसेप्ट पर ज़्यादा जोर देते थे कि जो भी वो बनाते थे मार्केट में जाके सेल कर देते थे. लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आने से क्या हुआ, अब जो फर्म थे वो सेलिंग कंसेप्ट को छोड़ के बाइंग कंसेप्ट को देखने लग गए कि बायर के हिसाब से वो अब सेल करने वाले थे, कि बायर्स को किस तरीके से प्रोडक्ट पसंद है पहले उसकी वो प्लानिंग करते थे, उसके बाद उसे बनाते थे, फिर मार्केट में उसे बेचते थे. इसके बाद जो सेवंथ हमारा इम्पैक्ट देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर. देखिए, जब हमने पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया था तो उससे क्या हुआ, हमने पब्लिक सेक्टर के जितने भी शेयर्स थे उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया, हमने प्राइवेट सेक्टर को भेजा. क्यों, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर थे वो पहले से ही लॉस में चल रहे थे. तो लॉस में चलने के कारण हमने जब उनका प्राइवेटाइजेशन किया तो वो लॉस कवर कर पाए, लॉस से प्रॉफिट में आ पाए. ठीक है, तो एक तरीके से उन्हें बजटरी सपोर्ट मिला और वो फिर से खड़े हो पाए. इसके बाद जो एट्थ इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला वो ये है कि एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल. देखिए, ग्लोबलाइजेशन करने के बाद हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ मिल पाई, तो हमने अपने रिवेन्यूज को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को भी शुरू कर दिया था. एक्सपोर्ट करके क्या होता है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है जिससे हमारी कंट्री भी क्या कर पाती है, ग्रो कर पाती है. तो अगर हमें फॉरेन से गुड्स मंगाने हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए. तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ पाते हैं. तो एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल भी देखने को मिला था, ये भी एक इम्पैक्ट था इकोनॉमिक पॉलिसी का. तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट आए थे, चेंज आए थे इकोनॉमिक पॉलिसी में. मैंने एक ब्रीफ आपको समरी दे दी है, अब आप जाके इसे अपने बुक्स में अच्छे से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स. आइए डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है डीमोनेटाइजेशन. देखिए, डीमोनेटाइजेशन से तो आप सभी जागरूक होंगे कि आपको याद होगा कि नवंबर 2016 की रात को प्रधानमंत्री ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने टीवी पे आके घोषणा करी थी कि रात के 12 बजे से जो भी 500 और 1000 के नोट हैं वो मान्य नहीं होंगे, मतलब नहीं चलेंगे नेक्स्ट डे से. तो ये जो प्रोसेस था इसी को हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, मतलब
बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा 500 और 1000 के नोट्स जो थे वो विड्रॉन कर दिए गए थे, ओके। और इसमें क्या हुआ था, पीपल को एडवाइस था कि अपने बैंक में जाएं और जो पुराने नोट्स हैं उसको बदलें नए के बदले, ठीक है। पुराने नोट्स को यहाँ पर हमें बैंक को देना था और नए नोट्स उसके बदले देना था, एक लिमिट तक वो उस समय हमें मिल रहे थे। आइए फीचर्स देखते हैं, ये डिमोनेटाइजेशन करने का फायदा क्या देखने को मिला, क्या फीचर है डिमोनेटाइजेशन के। तो डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, देखिए ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग टू गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम बैंक। देखिए जब डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या होता था, लोगों के पास बहुत सारा कैश अपने घर पर पड़ा रहता था एज अ ब्लैक मनी, ठीक है। ब्लैक मनी क्या होता है, ब्लैक मनी जनरल वो मनी होता है जिस पर हमने टैक्स नहीं दिया होता है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी हमारी इनकम होती है उस पर हमें टैक्स देना चाहिए। अब गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता था कि लोगों के पास कितना कैश अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया। डिमोनेटाइजेशन में जो भी लोगों के पास कैश पड़ा होगा अब उन्हें तो उन्हें चेंज करवाना पड़ेगा, तो उसके कारण लोगों के पास जितना भी कैश था वो जब बैंक में जाएंगे उसे चेंज करवाने तो बैंक को पता चल जाएगा कि इसके पास कितना कैश है। तो जिसके पास एक लिमिट से ज्यादा कैश आ गया था तो उसको हमने अनअकाउंटेड वेल्थ डिक्लेयर कर दिया और उसके ऊपर हमने एज अ टैक्स पेनल्टी पे करा, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर का फायदा मिला हमें। उसके बाद नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई भी टैक्स इवेजन ना करे। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी, तो जो भी चोरी करेगा वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नो टॉलरेंस। तो इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड दैट द गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्टेड द टैक्स इवेजन, कोई भी टैक्स चोरी ना कर पाए, इसलिए भी ये डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट आया था। वैसे ही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए डिमोनेटाइजेशन करने से क्या हुआ था, जितने भी लोगों की सेविंग्स थी या फिर घर में जितना भी कैश था वो सारा बैंक के पास आ गया। फिर बैंक ने क्या किया, उस सेविंग्स को लोगों तक पहुंचाया एज अ लोन, ठीक है, लोगों तक पहुंचाया एज अ लोन। तो जितना भी कैश डिपॉजिट लोगों से मिला था गवर्नमेंट को, उन्होंने वो वापस लोगों को पहुंचाया एज अ लोन। वैसे ही जो फोर्थ फीचर यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन का था वो ये था कि क्रिएटिंग अ लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। गवर्नमेंट चाहती थी कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनाएं, मतलब ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कैश का लेना देना ना हो, डिजिटली ही हम अपने पैसे को आदान प्रदान कर पाएं। तो आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे बहुत सारे ऐप्स मार्केट में देखने को आपको मिल रहे थे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डिजिटली आप पेमेंट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में, ओके। तो ये फीचर्स थे हमारे डिमोनेटाइजेशन के। तो आई होप आपको डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसके इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। पीडीएफ नोट चाहिए तो लिंक टेलीग्राम पे दे रखा है, आप जाइए वहां से डाउनलोड करिए और यही पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।